की थी कि किसी से छुपा हुआ नहीं, और आजमगढ़ तो इससे अपने आप को कैसे वंचित कर सकता है, आजमगढ़ तो इसका सबसे बड़ा मुक्तभोगी था। आजमगढ़ के नौजवान आजमगढ़ के बाहर जाते थे, पहचान का संकट खड़ा हो गया था, कोई धर्मशाला में कमरा नहीं देता था, होटल में आजमगढ़ का नाम लेते ही लोग कहते थे भैया यहाँ कमरा नहीं, रूम खाली नहीं। ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? ये पहचान का संकट उन्हीं लोगों ने किया था जिन लोगों ने कोरोना कालखंड में आजमगढ़ के लोगों को लावारिस छोड़ दिया। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश में जनता की हालचाल ले रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जा रहा था, आजमगढ़ में भी तीन बार मैं कोरोना के दौरान आया था देखभाल करने के लिए कि यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उपचार की व्यवस्था है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हालचाल ले रहे थे, पदाधिकारी सेवा के कार्य से जुटे हुए थे, लेकिन आजमगढ़ के सांसद नदारद थे, गायब थे, उनका कहीं पता ही नहीं था, उनका पता ही नहीं था। एक बार तो मैंने पूछा भाई सभी सांसदों का हाल चाल लिया जा रहा है कहाँ, तो पता लगा कि इंग्लैंड गए। दूसरी बार मालूम क्या कहाँ है, पता लगा ऑस्ट्रेलिया गए। वैक्सीन लगा लोगे तो कुछ सच बोलने की आदत हो जाएगी, ये तो झूठ पे झूठ बोल करके जैसे आजमगढ़ के लोगों को धोखा दे रहे थे, प्रदेश के लोगों को धोखा दे रहे थे। आजमगढ़ में मुलायम सिंह जी भी सांसद रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी विश्वविद्यालय नहीं आ पाया। आया विश्वविद्यालय मिला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी नहीं बन पाया था, एयरपोर्ट भी नहीं बन पाया था, यानी ये सब काम सिफई में होने थे। आजमगढ़ विकास के लिए कहा था, आजमगढ़ ने तो पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देकर के उनको अपने कंधों में ढोते थे, अपने सिर में लेकर घूमते थे, उस पाप के घड़े को लेकर घूमते थे, अपराधी पेशेवर अपराधी और माफियाओं को अपने सिर में लेकर के घूमते थे, और पहचान का संकट आजमगढ़ के नौजवानों के सामने, आजमगढ़ के सामान्य नागरिकों के सामने आता था।